हाई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 11, जहां पे हम सेकंड टाइप देखेंगे प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का, दैट इज एडम्स बैशफोर्ड प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। पहला टाइप कौन सा था? वीडियो नंबर 10 में हमने देखा हुआ था मेलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। वहां पे हमने देखा कि उसका वर्किंग रूल क्या होता है और साथ में हमने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम को लेकर वहां पे सॉल्व भी किया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एडम्स बैशफोर्ड प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का वर्किंग रूल देखेंगे, प्रेडिक्टर फॉर्मूला देखेंगे, करेक्टर फॉर्मूला देखेंगे और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करेंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं आएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विथ इनिशियल कंडीशन एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट। आपको हमेशा प्रॉब्लम में दो चीज दे देगी, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ये आपको जो इनिशियल कंडीशन है दैट इज एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, ये दो चीज मिनिमम दी रहेगी। आपको क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है एट सम वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो एन है, ओके ये एन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ये होना चाहिए फोर, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन शुड बी फोर टू अप्लाई दिस मेथड या फिर मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। जो भी आप मेथड अप्लाई करेंगे, एन की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फोर होनी चाहिए। इट मीन्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वाई की वैल्यू होनी चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू एक्स वन, वाई की वैल्यू होनी चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू एक्स टू, वाई की वैल्यू होनी चाहिए एट एक्स इक्वल्स टू एक्स थ्री। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी बाय दी हेल्प ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वाई एट एक्स वन, वाई एट एक्स टू, वाई एट एक्स थ्री यूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड्स लाइक पिकार्ड्स मेथड हो गया, टेलर सीरीज मेथड हो गया, यूलर्स मेथड हो गया, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड हो गया, या फिर अपने रंगे कुत्ता मेथड हो गया। ओके, तो इन मेथड को अप्लाई करते हुए हम लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वन पे, एक्स टू पे, एक्स थ्री पे। या फिर अगर मान लो आपके पास ये तीनों वैल्यू अगर क्वेश्चन में मान लो अगर दी हुई है, इन दैट केस हम ई वाले स्टेप को हम वहाँ पे स्किप कर लेंगे। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, या तो आपको ये तीनों चीज़ निकालनी पड़ेंगी। जब निकालना होगा तो अगर आपको मेथड स्पेसिफाई किया है कि पिकार्ड मेथड से करना है या फिर मॉडिफाइड यूलर मेथड से करना है, तो आप उस मेथड को अप्लाई करके बनाइए, अदरवाइज आप अपने मन से किसी मेथड को अप्लाई करते हुए वाई की वैल्यू निकाल लीजिए एट एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का जो भी प्रोसीजर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। इन केस अगर मान लो ये तीनों वैल्यू अगर आपको वहाँ पे दी हुई है, तो हम इस वाले स्टेप को वहाँ पे स्किप करेंगे। एक नोट पॉइंट जो है वो ये है, टू अप्लाई बोथ मिलने एंड एडम्स बैशफोर्ड मेथड वी नीड फोर स्टार्टिंग वैल्यूज ऑफ वाई। ओके, एक तो आपका वैल्यू कौन सा होगा, वाई नॉट हो जाएगा, दूसरा कौन सा होगा वाई वन, तीसरा वाई टू और चौथा कौन सा होगा वाई थ्री होगा। तो वाई नॉट तो आपको हमेशा दी होगी, y1, y2, y3 या तो आपको दिया होगा या फिर आप उसको निकाल सकते हो। ओके, मान लो आपने सभी वैल्यू को निकाल लिया है, अगला स्टेप अपना कौन सा होगा, कैलकुलेट f0, f1, f2 एंड f3। आपके पास वहां पे जो भी फंक्शन दिया जाएगा x और y का, वहां पे अगर अपन x की वैल्यू x0 और y की वैल्यू y0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f0 मिल जाएगा। इन द सेम वे अगर आप x1 और y1 पुट करते हो फंक्शन पे तो आपको f1 मिल जाएगा, फंक्शन पे अगर एक्स टू और वाई टू वैल्यू पुट करो तो आपको एफ टू मिल जाएगा, फंक्शन में अगर आप एक्स थ्री और वाई थ्री वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एफ थ्री मिल जाएगा। ओके, तो ये चार वैल्यू आपको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे फॉर्मूला एक एक करके, बाय एडम्स बैशफोर्ड प्रेडिक्टर फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वाई फोर, दैट इज वाई थ्री प्लस एच अपॉन ट्वेंटी फोर। एच अपना क्या होता है, यस दैट इज विथ ऑफ डिफरेंसिंग। कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे एक्स नॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको x1 दिख रहा होगा, x1 माइनस x0 या फिर x2 माइनस x1 या फिर x3 माइनस x2, सभी की वैल्यू क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी और वो वैल्यू क्या होगा अपना, h होगा, दैट इज इंटरवल साइज या फिर विथ ऑफ डिफरेंसिंग। फाइन, ठीक है, तो हमारे पास y4 आ गया बाई एडम्स बैशफोर्ड प्रेडिक्टर फॉर्मूला। y4 हम निकाल लेंगे y3 प्लस h अपॉन 24, 55 f3 माइनस 59 f2 प्लस 37 f1 माइनस 9 f0। ओके, तो यहाँ पे एडम्स बैशफोर्ड प्रेडिक्टर फॉर्मूला में हम वाई फोर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एफ फोर निकालेंगे। ओके, एफ फोर दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फोर कमा वाई फोर। ओके, एक्स फोर की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, एक्स फोर की वैल्यू हो जाएगी एक्स थ्री प्लस एच। ओके, एक्स थ्री आपके पास पता है, उसमें आप एच की वैल्यू ऐड कर लिए विल गेट एक्स फोर। ओके, ठीक है, अब
F4 की वैल्यू निकाल चुके हैं और Y4 की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल ली प्रेडिक्टर फॉर्मूला से। तो हम क्या करेंगे बाई एडम्स बैशफुट करेक्टर फॉर्मूला अपन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे Y4 की वैल्यू निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या होगा अपना Y3 प्लस एच अपॉन 24 इंटू 9 F4 माइनस 19 F3 माइनस 5 F2 प्लस F1। ओके यहाँ से हम क्या किए Y4 की वैल्यू निकाल दिए एंड इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ F4 इज अगेन कंप्यूटेड। ओके हम क्या करेंगे Y4 निकालने बाद एडम्स बैशफोर्ड करेक्टर फॉर्मूला से Y4 निकालने बाद हम फिर से F4 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Y4 की वैल्यू निकली हुई है आप चाहो तो उसको आंसर डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे एक दो स्टेप और करेंगे ताकि Y4 की जो अच्छी वैल्यू है ओके उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। ओके अच्छी वैल्यू मीन्स क्लोज टू एक्यूरेट। ओके तो यहाँ पे एन इम्प्रूव्ड वैल्यू ऑफ F4 इज अगेन कंप्यूटेड एंड अगेन एडम्स बैशफोर्ड करेक्टर फॉर्मूला इज अप्लाइड टू फाइंड अ स्टिल बेटर वैल्यू ऑफ Y4। करना क्या है यहाँ पे अपन Y4 से हम क्या करेंगे X4 तो वही रहेगा तो X4 और यहाँ के Y4 की वैल्यू से हम क्या करेंगे अगेन F4 निकालेंगे। फिर F4 से हम क्या करेंगे अगेन इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, लेकिन इस F4 में हम नई वाली वैल्यू को पुटअप करेंगे ताकि Y4 की वैल्यू मुझे मिल जाए। और हम चेक करेंगे डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तीन प्लेसेस चार प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ओके हम देखेंगे कि वापस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके मतलब वी रिपीट दिस स्टेप अंटिल Y4 रिमेन्स अनचेंज्ड। और जैसे ही हमारे पास Y4 रिमेन्स अनचेंज्ड आ जाएगा हम क्या करेंगे उस Y4 को हम आंसर मान के आगे प्रोसीड करेंगे। ओके मान लो अगर आपको Y5 भी पूछ दिया है तो करना क्या है सेम प्रोसीजर रहेगा, बस Y5 अगर आप निकाल रहे हो तो जितने भी आपको सब्स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख रहे हैं सबको हम एक एक से अपन बढ़ा देंगे। दैट इज Y4 यहाँ पे F4 यहाँ पे F3 यहाँ पे F2 यहाँ पे F1 हो जाएगा। वैसे एडम्स बैशफोर्ड करेक्टर फॉर्मूला में क्या हो जाएगा अगर Y5 निकाल रहे हैं तो Y4 यहाँ F5 यहाँ पे F4 यहाँ पे F3 यहाँ पे F2 हो जाएगा और बाकी के प्रोसेस सब क्या रहेंगे एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ओके तो अब हम क्या करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को लेकर अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। यूजिंग एडम्स बैशफोर्ड मेथड ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये अपना क्या फंक्शन एक्स कॉमा वाई हो जाएगा एट एक्स इक्वल 0.8। गिवन दैट आपको यहाँ पे एक्स के वेरियस वेरियस वैल्यूज पे वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। ओके अगर नहीं दी हुई होती तो हम क्या करते हैं किसी मेथड को अप्लाई करते हुए है ना एक्स की वैल्यूज पे वाई की वैल्यू को अपन निकाल सकते थे, बट आपको हमेशा ये इनिशियल कंडीशन दी जाएगी दैट इज एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0 और वाई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है। तो ये अपना क्या होगा ये अपना हो जाएगा एक्स नॉट की वैल्यू, ये अपना हो जाएगा X1 की वैल्यू, ये अपना हो जाएगा X2 की वैल्यू और ये अपना क्या होगा X3 की वैल्यू हो जाएगी। वैसे ये अपना क्या होगा ये Y0 की वैल्यू हो जाएगा, ये अपना Y1 की वैल्यू, ये अपना Y2 की वैल्यू और ये अपना क्या होगा Y3 की वैल्यू हो जाएगी। ओके तो आपको यहाँ पे दिख रहा है X0 पे Y0 की वैल्यू दी हुई है, X1 पे Y1 की वैल्यू दी हुई है, X2 पे Y2 की वैल्यू दी हुई है और X3 पे Y3 की वैल्यू दी हुई है। फाइन अब मुझे करना क्या है ये अपना क्या होगा ये X4 हो जाएगा। फाइन तो X4 पे मुझे क्या निकालना है Y4 की वैल्यू निकालनी बाय द हेल्प ऑफ एडम्स बैशफोर्ड प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ओके तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन एक्स कमा वाई दैट इज एक्स माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आपको जो विड्थ ऑफ डिफरेंसिंग है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0.2 है यहाँ पे 0.4 है 0.6 है और उसकी अगली वैल्यू कौन सी 0.8 है। तो विड्थ ऑफ डिफरेंसिंग कितना है 0.2 है। फाइन अब यहाँ पे X0 X1 X2 X3 करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू भी दी हुई है दैट इज Y0 Y1 Y2 Y3। ओके यहाँ पे दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं फंक्शन आपको दिया हुआ दैट इज एक्स माइनस वाई स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स नॉट और वाई की वैल्यू वाई नॉट जब पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा F0 मिल जाएगा दैट इज 0। ओके अगेन इस फंक्शन में जब एक्स की वैल्यू एक्स वन पुट करेंगे और वाई वन पुट करेंगे तो आपको F1 कितना मिलेगा दैट इज 0.1996। फिर इस फंक्शन में X2 की वैल्यू और Y2 की वैल्यू जब पुट अप करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा F2 मिल जाएगा दैट इज 0.3937। अगेन वी आर टेकिंग अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस। देन X3 की वैल्यू और Y3 वैल्यू पुट अप करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा F3 मिल जाएगा दैट इज 0.5690। ओके तो हमारे पास X0 X1 X2 X3 Y0 Y1 Y2 Y3 F0 F1 F2 F3 सभी वैल्यूज आ चुकी हैं और साथ में हमारे पास एच की वैल्यू भी दी हुई है। तो हम अब क्या करेंगे यूजिंग एडम्स बैशफोर्ड प्रिडिक्टर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Y4। तो Y4 इक्वल्स टू Y3 प्लस एच अपॉन 24 55 F3 माइनस 59 F2 प्लस 37 F1 माइनस 9 F0 सभी की वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है वैल्यू पुट अप करिए।
कैलकुलेशन पे आप थोड़ा सा फोकस रखिए, ओके, क्योंकि कैलकुलेशन अगर गड़बड़ होगा तो आपको आंसर एक्यूरेट नहीं मिलेगा, ओके ठीक है। तो वाई फोर की वैल्यू कितनी मिली, दैट इज 0.3050 अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस। अब मेरे पास वाई फोर की वैल्यू आ चुकी है और एक्स फोर की वैल्यू देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, दैट इज 0.8, ओके। तो एफ फोर की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स फोर कॉमा वाई फोर। एक्स फोर की वैल्यू कितनी है, एक्स फोर की वैल्यू है दैट इज 0.8 और वाई फोर की वैल्यू कितनी, दैट इज 0.3050। पुट करिए, फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे देख लेते हैं फिर से एक बार, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसको अपन जब पुटअप करेंगे तो एफ फोर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी फाइनली, दैट इज 0.7070। अब हम एडम्स बैशफोर्ड करेक्टर फॉर्मूला को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वाई फोर का फॉर्मूला क्या होता है, वाई थ्री प्लस एच अपॉन 24, 9F4 प्लस 19F3 माइनस 5F2 प्लस F1, फाइन। अब यहाँ पे अगेन सबकी वैल्यूज दी हुई है, एफ फोर की वैल्यू अपन ये वाले पुट करेंगे तो आपको वाई फोर कितनी मिले, दैट इज 0.3046, ओके फाइन। अब एडम्स बैशफोर्ड करेक्टर फॉर्मूला से मुझे वाई फोर मिल चुका है, तो अपन क्या करेंगे इसकी बेटर वैल्यू को निकालने के लिए हम एफ फोर निकाल लेंगे, ओके। तो एफ फोर मतलब एफ ऑफ एक्स फोर कॉमा वाई फोर, एक्स फोर मतलब 0.8 आएगा। फंक्शन हमारा जो दिया हुआ था एक्स माइनस वाई स्क्वायर उसी को पुट अप करेंगे, लेकिन वाई फोर की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, कौन सी वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ओके, दैट इज 0.3046। तो फंक्शन ऑफ एफ फोर क्या हो जाएगा, दैट इज 0.7072। अगेन हम क्या करेंगे, एडम बैशफोर्ड करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, दैट इज वाई फोर इक्वल्स टू वाई थ्री प्लस एच अपॉन 24, 9F4 प्लस 19F3 माइनस 5F2 प्लस F1, फाइन। अब यहाँ पे एफ फोर की वैल्यू अपन ये वाली पुट अप करेंगे, आप इसको पुट अप मत करना है ना, यस, रिसेंट वाली वैल्यू जो होगी एफ फोर की उसके ऊपर यहाँ पुट अप करेंगे, बाकी सारे वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। तो वाई फोर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 0.3046। अब आप इसको और इससे आपस में कंपेयर करिए, आपको मिलेगा दैट इज अप टू फोर डेसिमल प्लेसेस वैल्यूज आर मैचिंग, ओके। सो फाइनली व्हाट वी कैन से, दैट इज वाई फोर, दैट इज वाई एट एक्स इक्वल टू 0.8 इज इक्वल्स टू 0.3046, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर, ओके। थैंक यू सो मच।